उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल यहां सीनियर डॉक्टर चैन की नींद सोते हैं और जूनियर डॉक्टर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका विरोध करने पर वो छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। वहीं डॉक्टर वसीम अली ने कहा कि मामले में तत्काल ब्लड बैंक के डॉक्टर और प्रिंसिपल को जाँच के आदेश दिए गए हैं और जाँच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ से संवाददाता आशीष वाशने की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आए दिन डॉक्टर्स मरीजों से बदतमीजी करते हैं और छात्र अगर उसका विरोध करते हैं तो वो छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं, जिससे कोई कुछ मरीज जो इमरजेंसी वाले होते हैं उनका इंतकाल भी हो जाता है। बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ लोगों को उठानी पड़ती हैं और इस पर बज़ाहिर तौर पर ये लग रहा है कि वो सुरक्षाकर्मी पेशेंट के पास खड़ा हुआ है और कोई चीज़ हाथ से पकड़े हुए है। अब ये उसे क्लियर नहीं हो रहा कि वो खुद लगा रहा है या पेशेंट के हाथ को पकड़े हुए हैं, लिहाजा ये बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि प्रॉक्टर ऑफिस का जो स्टाफ है वहाँ पर कानून व्यवस्था को देखने के लिए लगाया जाता है, ना कि वो डॉक्टर या किसी नर्स की ड्यूटी को करे।